शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हमसे मिलने गांव के समाज के एक नेता आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। अब हमारे इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब हम अपना दूसरा काम खत्म करके ही यहाँ से जाएंगे। कौन सा दूसरा काम? वो कोई हमारा अपना बहुत करीबी खो गया है, बस उसी को ढूंढना है। कोई परिवार का रिश्तेदार या फिर गर्लफ्रेंड? ना तो परिवार है और ना ही वो गर्लफ्रेंड है, पर बहुत जल्द दोनों होगा। बिल्कुल। ये तेजा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी जाकर गौरव को बताते हैं, बराबर सबक सिखाएगा वो उसे। तेजा गहना, वही कहना जिसकी इज्जत तुम सरेआम लूटना चाहते थे, वही कहना जिसके पिता को तुमने पूरे गांव के सामने गोली मार दी थी। लड़कियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तेरी इज्जत का जनाजा हम इस पूरे शहर के सामने निकालेंगे।
गौरव। गौरव पागल हो गए, छोड़ो उसे। ये तो मर गया साहब। हम तुम्हें इस आदमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। हथकड़ी पहनाओ। खून की सजा तो फांसी पक्की होगी। नहीं! चिल्ला रही हो? कछु नहीं मेम साहब। और ये क्या नया नाटक है? घर में घूंघट लेके क्यों घूम रही हो तुम? मेम साहब, हमारे गांव में रिवाज है, जब भी घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, तो घर की औरतें घूंघट ओढ़ लेती हैं। और तुम्हारे दक्यानुसी रिवाज, जाओ अपना काम करो। आइए तेज प्रताप जी, आपके रहने का इंतजाम अपने घर में ही किया है मैंने। तेजा यही रुकेगा? गांव के सामने तेजा ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था, हमसे हमारे बापू भी छीन लिए। अगर हम घुट घुट के जी रहे हैं ना, तो इसको भी चैन की नींद नसीब नहीं होने देंगे हम। इसने हमारी किस्मत की लकीरें बदली है ना, तो अब हम ही इसके आगे की तकदीर लिखेंगे। आप हमारे साथ हुआ है ना, तो अब इसकी सजा भी हम ही देंगे। तेजा, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर, क्योंकि अभी गहना काल की तरह तुम्हारे सिर पर मंडराने वाली है। भोलेनाथ, कागज अब ढा दिए आप,
आपने फिर एक बार उतेजा को हमारी दहलीज पर भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार वो आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन अब उसका भविष्य हम लिखेंगे। आपका बस साथ चाहिए। जैसे असुरों का नाश करने के आपने हमेशा शक्ति का साथ दिया, बिल्कुल वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तेजा को बर्बाद करने का ठान तो लिए है, लेकिन उस रास्ते पर अपना पहला कदम किस दिशा में बढ़ाए ना, इसका एक संकेत दे दीजिए हमका भोलेना। बस इतनी मदद कर दीजिए हमें। बस इतनी मदद। प्रसाद। अच्छा गहना, कल माता रानी का पाठ रखा है घर में, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। माता रानी का पाठ? हाँ, हम ये पाठ हर साल रखते हैं। बहुत भव्य आयोजन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। पाठ में सभी शक्तिशाली देवियों के वर्णन होते हैं, जिन्होंने बुराई का नाश करके अच्छाई पर जीत हासिल की है। धन्यवाद भोलेनाथ, हम आपका इशारा समझ गए। बड़ी मेम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम सब बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, सारी तैयारियां कर लेंगे। कल का दिन सबके लिए बहुत यादगार होगा। का बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। अरे लाओ भाई लाओ। और कुछ चाहिए आपको? अरे ना ना, इस शहर में दारू पीने का ससुराऊ मजा नहीं है जो हमारे गांव में है। कौन से गांव से हैं आप? हम जिस गांव से हैं, वो गांव हमारी जूती की नोक पर है। नहीं भोलेनाथ, गौरव को तेजा की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो तेजा को छोड़ेगा नहीं। वो तेजा को जान से मार देगा। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि तेजा ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, और हम उसे तेजा के खून से अपने हाथ ना ही रंगने देंगे। तेजा को सबक हम खुद सिखाएंगे, उससे बदला हम खुद ही लेंगे। हमारे गांव के कर्ता धरता हैं हम, हमारी इजाजत के बगैर वहां एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये पावर है हमरा। वैसे हमारे गांव का नाम सुने होगे तुम, वो उर्वशी मैम सब बुला रही है तुम्हें। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये घूंघट क्यों डाला हुआ है? वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी तुम जाओ, उर्वशी मैम सब बहुत गुस्से में है। अच्छा ठीक है। अरे का कर दी और कहीं ना तुम हमारे साथ। अब तो ससुरा हर लड़की को देखकर और ही याद आती है हमको। कहाँ हो रे तुम? अरे कहाँ छुप कर बैठी है रे गहना तू? अब तो हम गांव छोड़कर तोहरे पीछे यहाँ शहर भी आ गए। अब तुम मिल जा हमें, कब तक छुपेगी हमसे? ओ गहना। Thank you.
इतनी रात को कौन घूम रहा है इधर? कौन दिख भी नहीं रहा है। तुम्हें तो हम सबक सिखाकर ही रहेंगे तेजा। ये सारे फूल लगा देना आप। ठीक है। नानी। अली। तो फ्रांस आज हमारे हाउस में हो रही है बिग पूजा। ये देखिए पूजा की तैयारी चल रही है। क्या ना? अरे वाह बड़ी मेम साहब, आपका चेहरा तो बहुत ही चमक रहा है। हाँ, जब पाठ रखते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है। जब देवी माँ की कहानियां सुनते हैं तो विजय प्राप्ति महसूस होती है। तुम तैयारी नहीं हुई? कब तैयार होगी? जाओ जाके तैयार हो जाओ। जब अरे नहीं नहीं, पहले सारा काम तो कर ले, सारी तैयारियां हो जाए फिर हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो लड्डू है ना वो बना के रख देना और हमें बता देना, हम प्रिंस को तैयार करके आते हैं। किसमिस वाले लड्डू तेजा के लिए। सब लोग आ जाइए, सबकी ड्रेसेस आ गई हैं। पापा ये आपके लिए। गौरव ये तुम्हारे लिए। मैडम पर ये तो काफी महंगा लग रहा है। है तो लगेगा ही ना। थैंक यू मैडम। मेम साहब हमारे लिए। इस बॉक्स में दो जोड़ी कपड़े पड़े हुए हैं, तुम और झुमके आके देख लो कि किसको क्या चाहिए। कहना तुम ये वाला लो। अच्छा है, वैसे भी हमको ये सेकंड क्लॉथ पसंद नहीं है। गहना के कपड़े तुम क्यों चूज कर रहे हो? वो खुद भी तो चूज कर सकती है ना। वो क्या है ना मैडम, पूजा के शुभ अवसर पर ऐसे देसी कपड़े ही अच्छे लगते हैं, और देखा जाए तो लड़कियों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं ऐसे कपड़े। इसीलिए तो इतने सालों के बाद भी शादी हो या पूजा ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। और गहना तो गांव से भी है, तो उस पर ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे।
इसलिए बस। जब देखो गहना के बारे में बोलता रहता है बस। पानी कैसे आ गया अचानक? कहीं उर्वशी ने हम सब नहीं तो नहीं किया ऐसा? आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें हमारे पैरों तक ले आई है तेजा, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दे सके, ताकि आज के बाद कोनो बुरा काम करने से पहले तुम्हारी रूह कांप उठे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।